अरे ऐसी बातें ना करिए, कुछ कुछ हो रहा है अंदर। अरे हम कल आ रहे हैं ना आपके पास, आज आ जाएं, अभी आ जाएं। पंजाब से कराची अभी कैसे आ जाएं? अरे अभी कैसे आऊं, चलो आ रहे हैं। हाँ बस आ रहे हैं। ये है जहीरुद्दीन कुरैशी साहब, यानी दादाजी। दादा यहाँ तो इज्जत कर लो। ये हैं दादा के पोते, यानी गुलाब और जामुन। गुलाब जितना चालाक है, जामुन उतना ही बेवकूफ। कराची में आके इन तीनों ने क्या गुल खिलाए, आइए चल के देखते हैं। अबे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अबे हाँ यार, दादा क्या देख रहे हो? अरे बेटा हम तो इमारतों पर गौर कर रहे हैं। माशाल्लाह हसीन और जमील, पंजाब के मुकाबले में कराची का माल। आहा, लेकिन दादा इमारतें तो ऊपर है। तो बेटा हम तो पहली मंजिल पे गौर कर रहे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर है। अरे अभी कराची आए नहीं हो, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। चलो अभी निकलो, घर चलने हमें, चलो। भाई ये घर तो अच्छा है तुम्हारा, ये पानी वानी आता है नहीं आता यहाँ पे? पानी के लिए ऐसा कोई मतलब नहीं है, मोटे चलाओ कि पानी बब्बू आएगा। पिजामन देख की पैन फटी। अबे इतना बड़ा घर है फिर भी पैन फटी नहीं। अबे लगता है कि भिंडू ने नोटी ले पैन फाड़ दी उन्होंने। भाई तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सही है, हर महीने की 32 तारीख को तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। चलो अभी निकलो यहाँ। बेटा गुलाब जी, ये कराची है कराची। अच्छा। यहाँ अगर फारिग होना हो तो खेतों वाला तरीका नहीं होता, फिर बल्कि बैतुल खला का रुख करना पड़ता है। बैतुल खला? टट्टी खाना भाई। ओ और अगर ये तो जामन के बाद लग रही है, क्या होगा? चलो चलो जल्दी करो। दादा दादा देखिए मैंने कैसा कमरा ढूंढा, स्पेशल बिस्तर, अभी में गर्मी का मजा लूटते हैं। अभी मैंने भी मुंह घुसा के देखा, मुंह में कुछ आ रहा है मगर मजा बहुत आ रहा है। कसम खा मजा आ रहा है। कसम के बच्चे यही तो बैतुल खला है। चलो बाहर बाहर आकर बैतुल खला बैतुल खला में कुछ आ रहेगा बच्चा, बाहर निकल जल्दी, बाहर निकल जल्दी। तुम लोगों की शरारतें मिनट ब मिनट बढ़ती जा रही है। ठंडी नहीं हो गई? मिनट ब मिनट बिल्कुल ठंडी थी। खैर तुम लोगों के लिए मैंने कारी साहब का इंतजाम कर दिया जो तुम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर ले करेंगे। कारी साहब? यार गुलाब कल कारी साहब आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कौन? अभी तो तूने बोला है। क्या बोला है? कि कारी साहब आ रहे हैं। क्यों? सिराते मुस्तकीम पर लाने। किसको? अबे सोचा यार कारी साहब भी। हेड लेगा टेल? टेल हेड, टेल हेड। बेटा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। यार एक तो तुम लोगों का नाम ऐसा है मुंह में पानी आ जाता है ना। अच्छा खैर हम जरा बाहर काम से जा रहे हैं, तो कारी साहब आएंगे उनकी तशरीफ तमीज से टिकवा देना। ओके। जरा समझदारी से गुलाब, ठीक है? लगता है आ गए हमारी मौत का तमाशा करने। चुप कर। कौन है बे? कारी साहब। कारी साहब पढ़ने चले, चलो। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह से मैंने एंट्री मारी आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि मैं कारी साहब हूँ। और एक बात बताता चलूं, मैं उन टॉफियों वाले कारी साहब की तरह नहीं हूँ जो बच्चों को टॉफियां देके भला भुसला के ये हाथ देख रहे हो ना बच्चों, ये जब किसी को पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उठ ही जाता है। और मेरे कारनामे। हेलो काले कुत्ते काहे जो? ए बेगम इसके अलावा कोई गाली दे दो। जलील कमीने। ये वाली दूसरी वाली दो, वो बे वाली। बेगारा कुत्ता कमीना। हमारी बेगम थी, तारीफें कर रही थी हमारी। चलो पढ़ो। बन बिन बुन, बन बिन बुन, टन टिन टुन, टन टिन टुन, फन फिन फुन, फन फिन को सब्सक्राइब करें। क्या बोला?
सब्सक्राइब करें। काली साहब हमने आपको बुलाया क्या है? बना 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 बना। अबे ये कौन से काली है, कौन से कसाई है? भई तू चोर, इस काली चरण को मैं देख लूंगा। किसको देख लोगे? कह देना काली आया था। बहुत मार है यार। देख यार जामन, इस कारी को ऐसी जगह कारी जरा लगाऊंगा ना, ना देखने के काबिल रहेगा ना दिखाने के। अबे यार तू सही कह रहा है यार, तू सही कह रहा है यार। टांग पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा यार। टांग पे हाथ? लेकिन हाथ पे हाथ होता है ना। अबे ये पुराना हो गया है, पुराना जाएगा तो ना। अच्छा भाई बोल यार। अबे यार टांग पे हाथ रख के बैठने ये तो हो गया था ना। अबे ये डायलॉग है डायलॉग, पीछे से चलेगा तो सही होगा ना। अच्छा भाई बोल मेरे पाप। अबे टांग पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा यार, कुछ कर यार कुछ कर। अरे ये नहीं, कारी का कुछ कर, कारी का। तो ये बोलना कुछ करते हैं, आजा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। तो सोच ले। यार गुलाम मुझे बहुत जोर का डर लग रहा है। तो करके आ जा, और तू टेंशन ना ले, इस कारी की आज फुस होने वाली है। चल पढ़ते हैं। पन बिन गुन पन फिन फुन पन बिन गुन पन फिन फुन पन बिन गुन पन फिन। लगता है जादू चल गया है। कारी साहब अपनी तशरीफ टिकाइए, फजूल का थक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आज हमारा बैठने का मूड नहीं है। कारी साहब सुबह भी नहीं बैठे थे क्या? अरे वो तो मस्त है भाई। कारी साहब अच्छा नहीं लग रहा ना, हम बैठे हुए आप खड़े हुए। अरे तो तुम भी खड़े हो जाओ ना, वैसे बहुत जोर लग रहा है बैठने पे। हैं? अरे नहीं नहीं कारी साहब, हम तो आपको इज्जत दे रहे हैं। हमारे दादाजी ने हमें यही सिखाया कि इज्जत दो और इज्जत लो। तू बैठ तो तुझे पता चलेगा। अरे इतना इसरार कर रहे हो तो बैठ ही जाते हैं, अब फजूल की लंबी हो रही है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। कोई आवाज आई तुम लोगों को? नहीं आवाज तो नहीं, तुझे आई जानू क्या? गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। कोई आवाज आ रही है? क्या हो गया कारी साहब, आपके कान बज रहे हैं, आवाज आई? नहीं गोलमाल है। हाँ भाई है गोलमाल, हटाओ यहाँ से। भाई साहब आपके पोते पोते नहीं बल्कि गंदे पोतड़े हैं पोतड़े। तुम्हारी भी ले ली मतलब, वैसे किया क्या है? अरे क्या बताऊँ आपको, बताने में भी शर्म आ रही है, लोग गंदी नजर से देख रहे हैं। ऐसी जगह मारे ना बताने के काबिल रहूँ, ना सुनाने के, ना दिखाने के। चलो मैं देखता हूँ। क्या? अरे पोतों का भाई। अरे अल्लाह कारी गया मर जाएगा भाई, वो गया। अरे भाई क्या कर दिया कारी साहब के साथ तुम लोगों ने, तो कारी साहब की कह के ले ली। दादा असल में ना दादाजी कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे घबराने वाली क्या बात है दादा, पोते भाई भाई हमें अपना दोस्त समझो, बताओ यार। तो फिर सुन,
दादाजी कैसा दिया? अरे भाई बाप कर दिया तुम लोगों ने, बल्कि दादा कर दिया यार तुम लोगों ने, लेकिन कुछ ज्यादा कर दिया। चलो चलो मलाइकों। हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। चलो भाई मुर्गा बनो दोनों। यार बाबा हमें तो मुर्गा बनना आता ही नहीं है। बेटा गुलाब इसको मुर्गा बन के दिखाओ कैसे मुर्गा बनते हैं। लेकिन दादा मुझे तो कुत्ता बनना आता है। अरे यार बेटा वो फिर कभी करेंगे। दादा एक काम क्यों नहीं करते, आप हमें मुर्गा बन के दिखाएं, हम सीख जाएंगे। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, आई एम इम्प्रेस। तो चलो मैं काम करता हूँ, मैं मुर्गा बन के दिखाता हूँ, जरा गौर से देखना, गौर से देखना तो सही है। ये देखो ये हाथ ऐसे करेंगे, यूं जाएंगे और ये मुर्गा। गौर से देखो जरा तुम दोनों, शरारते करते रहेंगे सारा दिन, कारी को मारते रहेंगे। देखो इधर गौर से, सही है। अबे यार जामन तलब हो रही है यार। हाँ यार गुलाब मुझे भी हो रही है। पीने चले? तो चल आजा। अबे यार गुलाब इधर तो लस्सी मिली नहीं रही। अबे लस्सी मिले ना मिले देख मुझे क्या मिले, चमचम। चमचम आजा। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। गुलाब जामन तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? यार वो दादा आ रहे थे ना हमारे कराची, हम उनके साथ लटक के आ गए। अबे सारी बातें यही करनी है क्या, घर चल के बात करते हैं, आजा चलो। ये है चमचम यानी गुलाब जामुन के गांव का दोस्त। अबे यार चमचम से ये पता है क्या, ये गुलाब है ना इसने दादा को मुर्गा बना दिया। नहीं कर। अबे तू मुर्गा छोड़, तेरे भाई ने दादा की वीडियो भी बना दी। वीडियो दिखा दिखा दिखा। चेक कर भाई चेक कर। ये देखो यार एक काम क्यों नहीं करते तुम दोनों, क्या इस वीडियो को YouTube पे डाल लो, फिर देखना तुम्हारे दादा को कैसी गालियां पड़ती हैं। कौन सा ट्यूब? YouTube। बेटा गुलाब जामुन, अरे चमचम तुम यहाँ कैसे, मतलब सारी मिठाई है एक साथ, गुलाब जामुन चमचम। अच्छा बेटा गुलाब वो हम पिछले एपिसोड में गए थे ना बच्ची, ओ वो कपड़े वपड़े लेने के लिए, तो देख लेना तुम लोगों के लिए कपड़े वपड़े लेकर आया हूँ मैं। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ जरा पार्क थोड़ी एक्सरसाइज करने, सही है। और ये जो तुम्हारा इतने सालों बाद तुम्हारा दोस्त मिला है इसको कुछ भी मत खिलाना क्योंकि हम खुद फाके से, सही है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अबे तू कौन सा ट्यूब बोल रहा था, डाल यार उसमें। अबे यार गुलाब चमचम अगर दादा को पता चल गया ना बहुत मारेंगे। अबे जा फट्टू तू करना भाई तू करा। ये देखो ये हाथ ऐसे करेंगे, यूं जाएंगे और ये मुर्गा। ओ मुर्गा अरे वाह 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 क्या आवाज निकाली है, कराची के बच्चों में अलग ही टैलेंट है। पक 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 ए, ए। ओ अंकल मुर्गे आपकी मुर्गी कहाँ है? मुर्गा मुर्गी हो सकता है बूढ़े लोग मुर्गा मुर्गी बोलते हो। हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। हाँ आ रही आ रही आ रही मुर्गी आ रही। मुर्गी कल ए मुर्गे ओ अंकल कुकड़ी ब्रो तो वही वाले अंकल ने ना वीडियो में कॉक बने थे। Exactly, यावर वेरी फनी। अबे मुर्गे पक 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 राजू ने दे। हाँ देता हूँ अगले महीने की 32 तारीख को। यार वो बर्गर बना दो यार। अरे आप तो वही हो ना मुर्गा पक 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 चावल लगा के रखा है सबने। ओ टकलो मुर्गे क्या बोल रहे हैं सभी पक 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 पक। इसका एक कुआं करके
नहीं देख रहा हूँ आज तक आपने, बच्चों को मुर्गा बनते देखा होगा, बच्चियों को मुर्गा बनते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसमें एक बुड्ढा, जी हाँ एक बुड्ढा मुर्गा बन चुका है, और इस बुड्ढे का पोल खोलने वाला शख्स हमारे साथ मौजूद है। तो जी गुलाब, आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? भाई ये बुड्ढा आदमी है, रोजाना हमारी छत के बाहर मुर्गा बन जाता है, पक पक करता है, जी मोरी बरकतें करता है। और भाई मेरी हुकूमत से अपील है कि इस आदमी को पागल खाने में भर्ती करा दो, वरना आगे जाके बड़े मसले मसाइल होने वाले हैं। गुलाब, मेरा आपसे सवाल है कि आपके दिल में ऐसा क्या आया कि आपने इस शख्स की वीडियो बनाई? भाई मेरे भाई ने क्लिक किया कि इसकी वीडियो बननी चाहिए यार, मैंने वीडियो बना के डाल दी। तो क्या आप इस शख्स को जानते हैं? अल्लाह माफ करे भाई, ऐसी वीडियो में मुंह लगाना पसंद नहीं करूंगा। ओए साइकिल दे चल। अबे हम नहीं कर यार, गुलाब दादा को पकड़ मेरा। अबे चुप, दादा साइकिल दे, दादा को अगल पकड़। अबे चुप ना तू, तो गुलाब जामन चल चल तू निकल। फट्टू लगता है गड़ास लग गई। क्यों? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे क्या जरूरत थी मेरी वीडियो? तू आई यहाँ से, तुझे क्या जरूरत थी मेरी वीडियो बनाने की? तुम लोगों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए मैंने तुम लोगों को बड़ा किया था। इससे अच्छा था तुम लोगों को मैं जिंदा गाड़ देता, जिंदा दफना देता। तुम लोगों ने मेरी इज्जतें बर्बाद कर दी, इतनी मुश्किल से मैंने इज्जत बनाई थी। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम लोगों को छोड़ दिया था जिंदा कचरे में, जानवरों के सुपुर्द कर दिया था। वो तो मैं था, मैं तुम लोगों को उठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, लेकिन तुम लोगों ने तू निकल, तेरे घर पे मैं आता हूँ जब तेरे माँ बाप लड़े होते, निकल। अगर जानवरों को भी कुछ खिलाओ ना तो आपकी सारी जिंदगी वफादारी करते हैं। तुम लोग जानवर से भी बदतर हो, आइंदा के बाद तुम लोग ही मुझे शक्ल नहीं देखनी है, अपनी शक्लें गुम कर लो यहाँ से। अरे तुम लोगों का नाम मैंने इतनी प्यार से रखा था गुलाब जामुन, के बोल के और सुन के मुँह में पानी आ जाए। आज मेरी आंखों में तुम लोगों की वजह से पानी है। मैंने सोचा था तुम लोग मेरी आंखों की ठंडक बनोगे, लेकिन तुम लोग मेरी की ठंडक बन गए बगैर। तो अब आइंदा तुम लोग मुझे अपनी शक्लें भी मत दिखाना। हटो दादा। अबे छोड़ ना। खोते के पोते, खोते के बच्चे। हेलो हेलो, आप जहीरुद्दीन कुरैशी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप तुम भी मजाक उड़ा लो, कुकड़ू को गधे के भी निकाल लो। आप्स, आप्स। आपको प्राइज नहीं चाहिए? प्राइज कौन सा प्राइज? सर आपकी जो वीडियो थी ना। हाँ हाँ, वो कुकड़ूकू वाली। तो ये के वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है। हाँ तो, और आपका उसमें 50 लाख का इनाम निकला है। 50 लाख? लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? कि वो पैसे लेने के लिए पहले आपको 1 लाख रुपए कस्टम फीस जमा करानी पड़ेगी। 1 लाख रुपए? इसका मतलब आपको पैसे नहीं चाहिए? अरे भाई चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो बस ठीक है, कल 9 बजे बिलाल ग्राउंड पहुँच जाए। तुझे क्या जरूरत थी मेरी वीडियो? तू आई यहाँ से, तुम लोग जानवर से भी बदतर हो, आइंदा के बाद तुम लोग ही मुझे शक्ल नहीं देखनी है। हटो। अरे यार बहुत गंदा कर दिया गुलाब जामुन को। खैर कुछ खबरी सुना दो। 50 लाख 50 लाख 50 लाख। यार हमारे टकला दादा ना एक नंबर का संगी है यार, बताओ 50 लोगों के सामने इज्जत की मदर सिस्टर एक कर दी। मदर सिस्टर? अच्छा माँ बहन। अबे तू माँ बहन छोड़, असल मसला ये नहीं है, इज्जत इज्जत की बात करता है ना ये। अगर इतनी इज्जत की फिक्र होती ना तो ये हमें तन्हाई में समझाता, सरेआम लोगों के सामने जलील नहीं करता, क्योंकि जो अपने होते ना वो सरेआम जिल्लत के दर्शन नहीं कराते। यार ऐसी बात नहीं, दादा ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। यार एक बात बोलूं गुलाब, जो पैदा करता है ना उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो पालता है ना उसको ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ ओ, ओ, ओ इतनी समझदारी वाली बात नहीं कर, तेरे ऊपर जश्ती नहीं है। तू खुद बता, क्या हमारा दादा संकी नहीं है? हाँ यार तुम बोल तो सही रहे, इस उम्र में बच्चा हो ही जाता है। बच्चा हो जाता है? अबे इस उम्र में बुढ़ा बच्चा हो जाता है, जैसे हमारा दादा हो गया बुढ़ा, कोसा थंकी टुल्लू टगला। ये बात नहीं करो यार, गलत बात हो जाती है, गलत बात है ये नहीं। अबे तो क्या बोलूं, गाली दूं? वैसे गाली का ही मुझसे है क्या वो बुढ़ा? तू किसकी बात कर रहे हैं? दादा की। दादा? हाँ दादा। अबे दादा 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 तिगड़ा तिगड़ा चल चल चल।
बे यार, मैं तो माफी मांगने जा रहा था, मुझे क्या पता था दोनों बैठ के बुराइयां कर रहे होंगे मेरी। पहले गुलाब को मार दिया, अब जामुन को मार दिया। क्या करूं यार, बुड्ढा हो गया हूं, मजबूर हूं। ये लोग भी तो एक नंबर के खोते हैं ना, खोते के पोते, ओ खोते के बच्चे। चलो 1,00,000 रुपए अकेला थोड़ी जमा कर पाऊंगा, मनाना तो है वैसे भी, जाके पट्टी वट्टी कर देता हूँ यार इसकी। अबे यार गुलाब, दादा ने इतना मारा है यार, निचोड़ निचोड़ के मारा है, दुबा दुबा के मारा है, पूरी गर्दन सूज गई मेरी, टांग छिल गई। होश आ गया तुझे? अब होश आ गया? मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था कि दादा सनकी है हमारा, लेकिन तुझे तो दादा के गुण गाने ना, कसीदे पढ़ने गा। क्या बोल रहा था दादा ने? मैं पाला पोसा बड़ा किया, और वो क्या कह रहा था कि हाँ, जो पैदा करता है ना उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो पालता है ना उसको तकलीफ होती है। अब किसको हो रही है? हाँ यार तू सही कह रहा है यार, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, 50 लोगों के सामने दलील कर देते हैं, पहले एपिसोड से दलील करते हुए आ रहे हैं। पहले एपिसोड में हमें मुर्गा बना दिया, दूसरे में इतना मारा, तीसरे में पता नहीं जान से ही ना मार दे हमें। ऐसे कैसे मार देंगे, पंजाब नहीं है कराची है कराची। और भाई एक बात बताऊं, दादा से अब बात नहीं करनी है, इनको मुंह नहीं लगाना है, ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। गुलाब, दादा प्लीज मुझसे बात नहीं करें। तो बेटा और क्या करूं, पट्टी करें तो? और क्या कर रहा हूं मैं यहां बैठ के, टट्टी कर रहा हूं, टट्टी कर रहा हूं। अरे टट्टी पट्टी छोड़ो, मेरी बात सुनो यार। दादा प्लीज मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे बेटा सुन लो, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। अबे सुन बेटा, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? 50 लोगों के सामने आपने मुझे जलील कर दिया और तन्हाई में माफी मांग रहे हैं? दादा है तो क्या मतलब, दादा की भी करेंगे। और एक बात सुन ले, मैं जामुन नहीं हूँ, मैं गुलाब हूँ। गुलाब आपकी बातों में नहीं आऊंगा। अरे मेरे मीठे मीठे गुलाब जामुन, तुम लोगों को खुशखबरी सुनानी है भाई। बाबा इसको मार ले। अरे तमीज। अरे बेटा वो जो तुम लोगों ने वीडियो अपलोड की थी ना, वो कुकड़ुकू वाली, वो गलीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है, और उसमें हमें 50,00,000 रुपए का इनाम निकला है। 50,00,000? 50,00,000। लेकिन बेटा एक मसला है। क्या चाचा जी? वो असल में उड़ के आ रहे हैं ना, 50,00,000 रुपए वो अमेरिका से उड़ के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें 1,00,000 रुपए कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो बेटा लग जाओ 1,00,000 रुपए जमा करने में, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, एक दिन का, एक दिन का। चलो यार दादा, फजूल की लंबी कर रहे हो यार। चमचम, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ गए यार? मुझे भी कोई तरीका बता यार, पैसों की सख्त जरूरत है यार। अबे कराची में कमाना कौन सा मुश्किल काम है, है? कान ला। क्या? अबे कान गरीब ला। अबे यार लेकिन चमचम, तो फंसने का तो डर नहीं है ना? अबे फंसने की टेंशन नहीं ले, जब भी फंसी हो ना चमचम को याद कर लियो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया यार। हाँ बेगम, आ रहा हूँ, मैंने सारा सामान ले लिया है। हाँ हाँ बस मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। अरे यार सामान तो रखने दो। हाँ मैं अपना बैलेंस दिलवा दूंगा तुम्हारा भी। अंकल कुछ पैसे दे दे मुझे। कभी अकेले में आओ, गप शप मारेगा।
ओ पागल हो गया क्या आंटी आपकी आवाज क्या हो गया आंटी के बच्चे तेरा दादा हूँ मैं दादा आप अरे बेटा वो काम से गया हुआ था पैसे वैसे कमाने के लिए ये तुम अबे असली आंटियों को लूटो अपने दादा को लूट रहे हो कीप इट अप बॉय कीप इट अप गुड वन दादाजी गुड वन अंकल बोले पैसे हैं 10,000 रुपए पैसे भाई माफ करो पूरा दिन आज मेहनत की इतनी अरे बेटा गुलाब कितने पैसे जमा है तेरे पास दादा पूरे 40,001 रुपए हो गए 40,001 रुपए तो बेटा तुम्हारे पास 40,000 हो चुके हैं मेरे पास भी कुछ 35-40 हो गए तो मतलब कुल मिला के हमारे पास 80,000 हो गए बाकी के जो बचे हैं वो जामुन कर लेगा तो बेटा यही मौका है जिंदगी सब हाँ बेटा कितने पैसे लाए तू दादा 1 रुपए भी नहीं हुए तू सारा दिन क्या कर रहा था इतनी देर से दादा मैं पख्तूनाबाद की हर गली में घूमा इधर भी गया उधर भी गया हर सड़क पे घूमा मगर सब यही कहते थे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो अभी तो कर लेते ना कॉम्प्रोमाइज जाना तो कर लूं सही है ओ कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है जरा कॉम्प्रोमाइज करने जा तू भी इसको उल्टी उल्टी पट्टियाँ पढ़ा तू एक काम करते हैं अभी कुछ थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेते हैं पैसे जमा हो जाएंगे चलो हेलो हाँ हेलो यार बजट का तो कोई महीना ही नहीं सब 1930 के महीने मैं किराया लेने आ रहा हूँ बात खत्म हो गई किराया चाहिए हाँ तो क्या मतलब है किराया नहीं दोगे हाँ सही है आ जाओ आ जाओ घर पे आ जाओ हाँ मैं आ रहा हूँ फोन करा रहा हूँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो दादा फिर वो पैसे वैसे जमा कर लेते हैं अरे नहीं बेटा पैसों का इंतजाम हो गया इन हड्डियों का हाँ भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा क्या मतलब कैसे आना हुआ किराया लेने आया हूँ बट्टे ट्राई तुम्हारी आगे नहीं दे रही है 3 एपिसोड कर चुके हो 1 एपिसोड का 50,000 होता है तो उसका मिला के तुम्हारा लगभग 1.5 लाख रुपए बन गए हाँ भाई गुलाब जामुन भाई को ठंडा पिलाओ भाई गरम हो रहे भाई मेरी बात सुन तेरे 1.5 लाख रुपए बनते हैं ना मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा 2 लाख वो मेरी वो वाली वीडियो नहीं थी वो कुकड़ूकू वाली हाँ वो गलीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई और उसका मुझे 50 लाख रुपए इनाम मिल रहा है 50 लाख लेकिन एक मसला है यार क्या उसमें 20,000 रुपए कम पड़े यार अगर तू मुझे 20,000 रुपए दे दे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी ठीक है 20,000 रुपए दे रहा हूँ दे देना मेरे पैसे हाँ हाँ दे देंगे भाई दे देंगे जामुन गुलाब अरे उठो भाई चलना नहीं है क्या ओ सॉरी यार इतनी देर हो गई बंदे ने यही बुलाया था अभी तक आया नहीं लगता है वही बंदा है सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग 50 लाख रुपए जीत चुके हैं शक्लें आप लोगों की 50 रुपए वाली भी नहीं है खैर वो 1 लाख रुपए रेडी हैं ये नहीं अब आप लोग एक काम करें
उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। क्यों यार, 50 लाख रुपए हैं, आप लोग को देख के एकदम से हार्ट अटैक ना आ जाए। उधर ही देखते रहना, मुड़ना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। 50 लाख, हाँ 50 लाख, पीछे मत मुड़ना। दादा लगता है हम लुट गए। बे शकल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर ले। जा भी मैं इसको कॉल करता हूँ। आपका मतलूबा नंबर आपको चूना लगा के जा चुका है, सो प्लीज डोंट ट्राई लेटर। दादा यहाँ क्या कर रहे हैं, घर जाके कर लेगा सुकून से। हाँ दादा जामन सही बोल रहा है, घर जाके सुकून से कर लेगा। बेटा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन ये दादा सीरीज खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग अच्छे अच्छे एपिसोड देख रहे हो, पिछले एपिसोड अच्छे लगे तो हमारा पेज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? रोले रोले। बे क्या कर रहा है भाई? दादा वो आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अबे तो दवाई का टाइम हो गया तो ये क्या कर रहा है? दादा उसमें लिखा था कि ना पहले हिलाएं फिर पिलाएं। निकल यहां से, दबा ले यहां से, हाथों से जाया होगा मेरे। पहले हिलाएं फिर पिलाएं, कैसे पोते मिले, एक साला डेढ़ होशियार है और दूसरा बेवकूफ। दादा क्या कर रहे हैं, दवाई पी रहे हैं क्या? नहीं बेटा कमर खुजा रहे हैं, आओ बैठो मेरे साथ बैठ के खुजाओ। हैं के बच्चे दवाई पी रहे हो, नजर नहीं आ रहा क्या? काम बोलो काम क्या है? दादा मैं और जामन ना पार्क जा रहे हैं, दादा चले जाएं क्या प्लीज? हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन जरा ध्यान से कुछ गड़बड़ नहीं कर देना। ठीक है दादाजी। शुक्रिया दादाजी शुक्रिया। अबे जाना, दवाई पी रहे हैं। सुनिए जरा बोल दीजिएगा। जामन भाई की भाभी चेक की कैसी है? भाभी? ओ तेरी भाभी? ओ भाई पहले मैंने देखा था। लेकिन जब तूने नहीं देखा था तो मैंने देखा था। लेकिन तुझे कैसे पता जब मैंने देखा था तूने नहीं देखा था? मैंने तुझे देखा था कि तू नहीं देख रहा था तो मैंने देखा था। लेकिन जब तुम मुझे देख रहा था तो उसको कैसे देख रहा था? मैं उसको देख रहा था तो तुझे देख रहा था कि तू नहीं देख रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर देखना दिखाना किया ना बच्चा नहीं होगा, दिमाग की दही करके रख दिया यार। अबे देख, फिर से एग्जाम बोला तूने। अबे देखना दिखाना छोड़, तेरी भाभी चली गई। यार जामन यार, दो दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है यार, यार कुछ अलग से नहीं उतर रहा है यार। सेम हेयर यार। अबे यार क्या थी वो लड़की यार, एक अदा में दीवाना कर गई यार। सेम हेयर यार। यार अब तो मुझे सोते जागते खाते पीते हकते मुँहते सिर्फ वही लड़की नजर आ रही है यार। सेम हेयर यार। अभी देख वो जो लड़की खड़ी है ना, वो वही नजर आ रही है।
सेम हेयर यार। अबे अबे वही लड़की, भाग जल्दी चल। अबे जामन यार, लड़की का चोरी इधर नहीं ना वाली, इधर देखो ना देख। अंकल 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 अंकल, आप इसी लड़की को देखा है? अबे नीनो कुत्ता भगा के लड़की को दे यार गुलाब, ये तो लड़की हाथ में आके ही नहीं दे रही यार। अबे यार सही बोल रहा है यार जामन। आइडिया। अबे इतनी सी बात के लिए चमचम को याद किया है? इतनी सी बात नहीं है वो। अबे भाई तुम लोगों के मसले का हल सिर्फ एक जगह मिल सकता है, वो है ठराग हाउस। ठराग हाउस? हाँ ठराग हाउस। क्या बात है बेबी, बड़ी लंबी लंबी कॉले कर रही है। हस्बैंड घर पे नहीं है क्या? चल बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर है रखना। चलो हाँ जी, वेलकम टू ठराग हाउस। भैया हमारे यहाँ तमाम लड़कियों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लड़की क्या खाती है, क्या पीती है, कब जागती है, कब सोती है, कब जाती है, कब आती है, नाम पता असर नसब, इन शॉर्ट सारी इन्फॉर्मेशन। टेंशन नहीं लेने का। नाउ यू टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर हमें एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम बताओ यार। सर नाम तो पता ही नहीं है सर। होलिया तो पता होगा? हाँ होलिया पता है, गुलाबी आंखें, लहराती जुल्फें, बहती नाक है। अबे पंजाब वाले की बात क्यों कर रहा है, कराची वाली ढूंढनी है अभी। सर आप नोट करें, खड़ी नाक। ओके खड़ी नाक, ये देखो। नहीं सर ये नहीं है। ये नहीं है? ये देखो ये लड़की है क्या? ये ठीक है ना, जज्बाती क्या हो गया, कंट्रोल। मरियम नाम है इसका, तमाम इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। लेकिन एक बात याद रखो, थरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है, समझे? चलो शाबा कटो, ऐसे पहुंचा देना रिसेप्शन पे। हाँ बेबी। कुछ नहीं, वो कस्टमर आ रहे थे, पिक तो भेजो। हाँ वो है। दिख जामन इस फाइल के मुताबिक मरियम 2:30 पे काशिफ कोचिंग से एक लड़के के साथ CD70 मॉडल 2017 पे बैठ के निकलेगी। तो ठीक है, 2:30 में वो लड़की आएगी, 2:30 में से 10 मिनट बाकी हैं, तो देर किस बात की, चल 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 चल, चल। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, हाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इसका भाई है? मुझे तो खुद नहीं पता था ये इसका भाई है। सॉरी वो हमें माफ कर दें, हमें पता नहीं था कि ये आपका भाई है, वो हमें माफ कर दें प्लीज। गुलाब तू क्यों माफी मांग रहा है? माफी मैं मांगूंगा, ज्यादा मैंने मारा है। लेकिन बड़ा मैं होना है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी वो हमें माफ। हाँ हाँ सारे काम छोटा करे और माफी बड़ा मांगे। अरे माफी मुझे मांगनी चाहिए, सॉरी वो माफ कर दें, आइंदा नहीं करेंगे। बस बस करें आप लोग, जाएं, मैंने माफ किया। चलो बैठो मरियम। अबे यार गुलाब, मैंने तो ये सुना था, फर्स्ट इम्प्रेशन इक्वल लास्ट इम्प्रेशन। अबे मैंने भी सुना था कि ट्राई 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 अंटिल यू गेट सक्सेस। अबे खैर होती है, कोई बात नहीं यार, अब हमें देखना है कि मरियम आती कहाँ है।
बेटा गुलाब जामन हाँ भाई हम जरा जा रहे हैं खास दोस्त से मिलने तो जरा घर का ध्यान रखना और बाहर नहीं निकलना दोनों चलो ठीक है जा रहे हैं गुलाब बेटा गए फाइल निकाल ओहो मरियम आज पार्क में किसी लड़के से मिलने आ रही है अबे आज तो बड़ा अच्छा मौका है दादा भी गए और मरियम भी पार्क में आ रही है तो चले तो चल अबे गुलाब ये मरियम किसके साथ बैठ रही है अबे ये तो दादा है अच्छा बेटा गुलाब हम पिछले एपिसोड में गए थे ना बच्चे भाई अरे ऐसी बात ना करो कुछ कुछ हो रहा अंदर गुलाब बेटा वो चाय देना क्या बदतमीजी हो रही है वो दादा क्या वो दादा वो कल क्या कल वो कल पार्क में क्या वो कल पार्क में अबे भाई फालतू का सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है सीधा सीधा कह देना दादा वो कल क्या कर रहे थे पार्क में उस लड़की के साथ अबे भाई बताया तो था कि खास दोस्त से मिलने जा रहा हूँ खास दोस्त था या खास दोस्त थी क्या मतलब मतलब ये है कि क्या कर रहे थे पार्क में उस लड़की के साथ किसकी लड़की के साथ किसकी लड़की के साथ तौबा अस्तगफुरल्लाह दादा शर्म करो दादा की उम्र क्यों आप क्या हरकतें कर रहे हो अस्तगफुरल्लाह तौबा कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं सही कहा था तुम लोगों के कारी साहब ने कि आपके पोते पोते नहीं बल्कि गंदे पोतड़े हैं पोतड़े चलो चुपचाप नाश्ता करो अब पछतावा क्या जब टुड़िया चुप गई खेत अब तो किस तक बात पहुंच चुकी है किस हाँ हाँ ये पांचवी किस्त है क्योंकि इसके बाद दादा सीरीज खत्म होने वाली है खत्म खलास चलो चलो फालतू सवाल नहीं करो नाश्ता करो शाबाश क्या मसला है तुझे क्या मसला है क्यों घुस रहा है मेरी जिंदगी में डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ एंड व्हाट इज योर नेम एंड शायद अफ दे हैड हिट द सिक्स और तालियां दादा ये जो आपने बोला है बहुत ज्यादा बोला है लेकिन इसका तर्जुमा भी बता दो मतलब अब तुम लोग दादा की लोगे हैं इतने बड़े हो गए चुपचाप नाश्ता कर ज्यादा बकवास नहीं कर सही है मतलब अब दो टके की लड़की के लिए पोते को जलील किया जाएगा दो टके की लड़की वो दो टके की लड़की नहीं है मेरी मोहब्बत है शी इज माय लव शी इज माय हार्ट एंड आई विल नेवर एवर बी अ पार्ट यू से यू लव मी आई से यू केयर सो बेबी 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 जमन मेरा नाश्ता कमरे में लेकर आ तुझे तो मैं देख लूंगा बेटा बेटा गुलाब मेरे प्यारे बच्चे मेरे गुलाब के फूल मेरे गुलाब जामुन दादा काम बोले बेटा जाके दही ले आओ बड़ी तलब हो रही है लस्सी की अच्छा ला रहा हूँ भाई माफ करो यार आगे जाओ आजकल भी क्या जमाना आ गया कोट पैंट पहन के भीख मांग रहे हैं हट्टे कट्टे आदमी हो यार जाके मेहनत मजदूरी करो खाओ यार भाई बात तो सुने हाँ हाँ पता है तुम लोगों का अभी तुम यही बोलोगे ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे मांगने में शर्म आ रही है मेरा ये पेशा तो नहीं है सब पता है तुम लोगों का अरे भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं हाँ हाँ सब समझ रहा हूँ अरे भाईजान मैं एजेंट हूँ एजेंट अच्छा अच्छा तो वो जो भिखारियों के एजेंट होते हैं वो हाँ हाँ अरे नहीं नहीं भाई मैं डेथ पॉलिसी बेचता हूँ यार डेथ पॉलिसी ये क्या होती है भाई सारी बात ही गेट पे कर ले क्या आप घर पे चलो तो तफसील से बताएं ना डेथ पॉलिसी क्या होती है चलो यार हाँ भाई आप कौन सी पॉलिसी बोल रहे थे यार वो सर ये एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप इसको खरीद लें तो आपके मरने के बाद आपके बच्चों को पैसे मिलेंगे खबरदार जो मेरे मरने की बात की अबे भाई मेरी तो शादी भी नहीं है अभी तक तो ऐसा करें आप किसी और के नाम पॉलिसी खरीद लें छ
किसी और के नाम पे। चमचम मालिक के मकान लोगों का मरेगा। चामन दादा, हाँ हाँ एक बंदा है, एक बंदा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप उनके नाम पे पॉलिसी खरीद लें। चलें ठीक है, मैं पॉलिसी खरीद लूंगा, लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? सर आपको पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख? सब छोड़ोगे, बता मुझे करना क्या होगा? सर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ बंदा मरा वहाँ आपके हाथ में पैसे। बंदा मरेगा, सर आप घबराए नहीं, मैं इस सिलसिले में आके मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? आप ये बुक ले लें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये 1000 रुपए की बुक है और इसके अंदर मांगने के 1000 तरीके हैं। तो भाई उन्हीं 10 लाख में से काट लेना ना, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। तो ये फिर आप ये बुक ले लें, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा और आके अपने पैसे ले लीजिएगा। दादा घर आएगा, इतना बड़ा हो गया तू। अरे भाई बस ये कराची के हालात हमेशा ही खराब रहते। अरे भाई ये गुलाब का रह गया, दही लेने गया जमाने गया, अभी निकलेगा मेरे मुंह से कुछ ऑल फल। तलब हो रही है यार। दादा आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको कान से पकड़ के लाऊंगा। बस तू ही मेरा एक अच्छा पोता है जो अपनी दादी पे गया, बाकी गुलाब तो अपने दादा पे चला गया। यार गुलाब तू इधर क्या कर रहा है? दादा ने उससे दही मंगवाई थी। ओ भाई आ गया दादा का बोला। ओ भाई मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे अपना काम करने दे। अच्छा अभी बताता हूँ दादा को, तुम दही लेने गए यहाँ खड़े होके चमचे हिला रहे हो। अबे वो चमचे हैं? क्या बोला? अबे भाई ये ब्लैकमेलिंग करना ना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ सही है सही है, लेकिन यहाँ खड़े होकर तुम कर क्या रहे हो ये तो बता। अबे भाई दादा के लिए जूस बना रहा हूँ। अच्छा तुम यहाँ जूस बना रहे हो या पागल बना रहे हो? दादा ने तुम्हें दही लेने को भेजा था। अबे भाई जहर बना रहा हूँ मैं। अच्छा जहर है? जहर? तुम जहर बना रहे हो दादा के लिए? अभी बता तुम दादा को। अबे भाई दादा को नहीं बता, पूरे 10 लाख का सवाल है। दस लाख रुपए? हाँ 10 लाख रुपए, और उस 10 लाख में से मैं तुझे पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000? 2000 रुपए नहीं दूंगा, चंदा दे रहे हो क्या? फकीर समझा है? तो फिर कितने लेगा? मैं अक्कल बक्कल बम्बे बो पूरे 90, पूरे 100, पूरे 2100 रुपए लूंगा। चल ठीक है मैं तुझे 2100 रुपए दूंगा। भाई सीन कुछ ऐसा है, मेरे पास आया था एक एजेंट। भाई अब हमें मिलकर ये काम करना है और मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। ठीक है चला जा चलते। दादा ये ले। लस्सी आ गई। ये क्या लेकर आया? मैंने तुझसे लस्सी मंगवाई थी और ये तू पानी लेकर आ गया, बेगैरत, निकल यहां से। लस्सी। हाँ भाई क्या हुआ, लुढ़क गए? अबे दादा ने पिया ही नहीं, जलील करके भगा दिया यार, कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। चल यार
गुलाब ये तंग का देख। अबे नहीं भाई, तड़पाना नहीं है, डायरेक्ट मारना है यार। तड़प तड़प के मर जाएंगे इससे तो। कोई और देखते हैं यार। अरे भाई बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे आज तो हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई, दादा को भी दिखाओ। भाई किताब पढ़ी जा रही है भाई। अच्छा बेटा गुलाब जामुन, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है। बेटा मैं तुम लोगों को पहले एपिसोड से जलील करता आ रहा हूँ। पहले एपिसोड में मैंने तुम लोगों को मारा, जलील किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में तो हद ही कर दी, फिर चौथे में, फिर पांचवें में भी मारा, जलील किया। लेकिन तुम लोगों ने बेटा, तुमने मेरे सर के नीचे ला के तकिया रख दिया, तुमने मेरे कमरे की सफाई कर दी, तो मुझे उन सब चीज़ों को देख के थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं यार, कहीं मैं गलत हूँ। मैं अपने पोतों को मार रहा हूँ, डांट रहा हूँ, वो आगे से जबान नहीं चला रहे। ये बहुत अच्छी बात है, ये तुम लोगों की बहुत अच्छी बात है। बस बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बड़ा कुछ कहता है ना, अगर बड़ा कुछ मारता है तुम लोगों को, मैं कुछ कह रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, ताकि तुम लोगों की इसलाह हो जाए। और कोई मेरा मकसद नहीं है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। बस मैं चाहता हूँ तुम लोग एक कामयाब शख्स बन जाओ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, बस अब उम्र हो गई है। कमरे में जाके लेटूं, क्या पता मेरी जान निकल जाए। दादा? हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पता जिंदगी का। क्या पता अभी मैं जाके लेटा और बस अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ। तो बेटा गुलाब जामुन मैं जा रहा हूँ, जरा मेरी दवाई पहुँचा देना। पढ़ते रहो। यार गुलाब, ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हाँ यार, अब मुझे भी लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बाकी यार पैसा कितनी गंदी चीज़ है, हम सिर्फ 10 लाख के लिए अपने दादा की जान लेने वाले थे। हमने ये भी ख्याल नहीं किया कि दादा ने हमारी बचपन से परवरिश की। हाँ यार तू सही बोल, दादा ने तो हमें हमेशा अपने साथ रखा, हमने तो अपने माँ बाप को भी नहीं देखा यार, लेकिन दादा ने हमें उनकी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। चल यार दिल छोटा मत कर, देख गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें सही मौके पर गला गई। चल यार दादा से माफ़ी मांगते हैं। दादा दादा हमें माफ कर दें दादा। दादा हम रास्ता भटक गए थे दादा, दादा प्लीज हमें माफ कर दें। दादा हमने आपको कत्ल करने की बहुत कोशिश की थी। दादा हम पैसों के लालच में आ गए थे दादा, दादा प्लीज माफ कर दें दादा। दादा 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 गुलाब, घर की नफ नहीं चलनी गुलाब, एम्बुलेंस बुलाओ दादा, एम्बुलेंस बुलाओ। दुकानें क्यों बंद है अंकल, ये एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल रही, हॉस्पिटल क्यों बंद है? बेटा आज ये हड़ताल है ना, आप घर क्यों नहीं जाते भाई? हाँ हालात बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ गुलाब, एम्बुलेंस मिली क्या? क्या हुआ भाई? दादा मरे नहीं है? अभी से मार दो, मरे नहीं है, मतलब दादा मर जाएंगे तो दादा सीरीज कैसे चलेगी भाई? अभी तो सीजन 1 हुआ है, अभी तो सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 सब करना है। इधर आके बैठ जाओ। तो भाई दादा सीरीज का इख्तिताम यहाँ होता है ये 5th एपिसोड पे, और दादा सीरीज को लाइक करें अगर आप लोगों को मतलब पसंद आई तो, दादा सीरीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दादा के गुलाब जामुन वेब सीरीज भाई बड़ी मेहनत की है, सही है। और ऐसी किसी के साथ कहानी हुई है अगर इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भाई वो दूसरी स्क्रिप्ट का क्या करना है? चाय तुम चाय मंगाओ, शहीर चाय लेकर यार जल्दी कर, रीमल करनी है, चलो सब्सक्राइब भी कर देगा यार, सही है, सब्सक्राइब। अबे किराया देते हैं, चलो भाई किराया दो।